देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रंग क्या होता है। किसी भी चीज का रंग उसका अपना रंग नहीं होता। ये वो रंग है जिसे वो चीज खारिज कर देती है या दे देती है या जिसे वो रिफ्लेक्ट करती है। कोई चीज लाल दिखती है इसलिए नहीं क्योंकि वो लाल है, बल्कि इसलिए क्योंकि सफेद प्रकाश में जो सात रंग हैं, वो हर चीज को अपने अंदर सोख लेती है और लाल रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए वो लाल दिखती है। तो लाल मतलब ये नहीं है कि वो लाल है, लाल का मतलब है कि वो लाल नहीं है। समझे आप? हाँ, कोई चीज लाल है इसलिए नहीं क्योंकि वो लाल है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लाल नहीं चाहिए, इसलिए वो लाल दिखती है। तो जो कुछ भी आप दे देते हैं, दुनिया में भी वही आपका गुण होगा, है ना? तो देवी का रंग लाल है क्योंकि वो लाल दे देती हैं। लाल मतलब अगर आप जंगल में घूम रहे हैं तो सब हरा हरा है, लेकिन कहीं थोड़ा लाल रंग होगा, एक लाल फूल खिला है, वो आपका ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि आपके बोध में लाल सभी रंगों में सबसे चमकीला है। शायद दूसरे सभी रंग सुंदर हों, अच्छे हों, बढ़िया हों, लेकिन लाल बहुत ही चमकीला है। सिंदूर, आपको समझना होगा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हल्दी है। अगर इसे ठीक से बनाया गया है तो, अगर आप देवी से सिंदूर लेते हैं, यह हल्दी से बना हुआ है। अगर आप कहीं और से खरीदते हैं तो वो एक केमिकल पाउडर है। अगर आप खुद को रासायनिक जहर देना चाहते हैं तो आप उसका इस्तेमाल करें। हल्दी के जबरदस्त फायदे हैं। हल्दी को इस्तेमाल करने का एक खास तरीका है। हल्दी और चूने को साथ मिलाकर इसे बनाया जाता है और यह बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और उसका रंग लाल हो जाता है, और इसका इस्तेमाल समाज में एक प्रतीक की तरह भी किया जाता है। अगर किसी महिला ने सिंदूर लगाया है तो वह शादीशुदा है, यानी आप उसके पास अपना प्रस्ताव लेकर नहीं जा सकते। मूल रूप से समाज में ये जानने का एक तरीका था कि कौन कौन है, और इसे लगाने के स्वास्थ्य से जुड़े हुए दूसरे फायदे भी हैं। हल्दी, इसका रंग, आप अपने सिर पर पीला रंग नहीं लगाना चाहते, मुसोलिनी की तरह, तो लाल बेहतर है। और यह हमेशा देवी का रंग भी होता है, सिर्फ यही नहीं, हर जगह। So it is also a symbolism that तो ये एक प्रतीक भी है कि इसका एक पहलू ये है कि ये शायद हर किसी के लिए सच ना हो, पर समाज में ये आकांक्षा होती है। ये आकांक्षा इस संस्कृति में थी, जब किसी महिला की शादी हो जाती है तो उन्हें देवी कहा जाता था। मुझे सुनकर मजा आया कि कुछ एयरलाइंस में, भारतीय एयरलाइंस में, मेरे ख्याल से एयर इंडिया में, वे ऐसा कहते हैं। जब वे घोषणा करते हैं तो वे कहते हैं देवियों और सज्जनों। क्या आपने सुना है? नहीं? हिंदी में जब वे घोषणा करते हैं तो वे पुरुषों को सज्जनों कहकर पुकारते हैं, दैट मींस जेंटलमैन, और महिलाओं को वे देवियों कहते हैं। ये बहुत आम है हमारे परिवारों में। मेरी दादी और दूसरी महिलाओं को उनके पति हमेशा देवी कहते थे, हमेशा, ये पहचानने के लिए कि उनमें ईश्वर का एक तत्व है।